सुना ये सबकी सब सरोजनी नगर मार्केट और दीदी करनी है शॉपिंग। मेरी दीदी पहली बार आ रही है सरोजनी नगर में, 250 रुपए का सेट है पूरा ले लो। तो दोस्तों इन्होंने गन्ने का जूस पिया और ये सारे सारे मुझे छोड़ के आगे वहाँ पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 10:30 बजे से। और दोस्तों अभी नाश्ता पानी हो गया हमारा और बाकी आज आ गए हैं सासू जी। तो फाइनली एक महीने बाद, मतलब एक महीना होने वाला था, तो अभी सुबह सुबह पहुँच गए हूँ। और बाकी उनको छोड़ने कौन आया है वो मैं आपको अभी मिलवाती हूँ। तो चलिए जी, और आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट, तो आप भी बने रहना, आपको भी दिखाऊंगी। तो चलिए पहले दीदी से मिलवा देती हूँ। तो अभी ना दोस्तों मैं फिर से अपने कमरे में आ गई हूँ क्योंकि सासू जी और दीदी थोड़ा सो गए हैं। वो मैं, दीदी और दूसरी दीदी चलेगी। दूसरी दीदी मतलब कि मेरी जड़जू और दीदी की तो ननद है वो। तो हम चलेंगे तीनों के तीनों बाजार। तो अभी मैं पहले ये वाला सूट पहन रही हूँ मैं आज, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता है पर है नहीं कुछ तो यही पहन लेती हूँ। तो फिलहाल मैंने प्रेस कर लिया है और फिर मिलती हूँ। तो चलिए जी, अभी मैंने सूट भी वेयर कर लिया है और बाकी अभी दीदी लोग तो सोए हैं, जब तक उठते हैं तब तक मैं फुल तैयार हो जाती हूँ, नहीं तो मेरे लिए बहुत है फिर की देर कर दी इसमें। तो तब तक थोड़ा क्रीम पाउडर लगाती हूँ और कंघी करती हूँ और फिर बैठ जाऊँगी आराम से तैयार होके। और अभी मिलवाती हूँ मैं आपको अपनी जड़जू से। अजीब सा लग रहा है ऐसे बोलने में, हम बोलते नहीं दीदी बोलते हैं, पर गढ़वाली में जड़जू ही बोलते हैं पति की बड़ी बहन को, और जो छोटी बहन होती है उसको नंद बोलते हैं। तो मेरी नंद तो कोई है नहीं पर मेरी जड़जू है, दो दीदी की दोनों नंद है। ओके गाइस, तो अभी मैं पहुंच गई हूँ दीदी के कमरे में और इधर दीदी लगा रही है पोछा क्योंकि दीदी सुबह पहले नहा गई थी, उसके बाद दीदी ने नाश्ता पानी किया और फिर अब दीदी पोछा लगा रही है। और तो दोस्तों अभी टाइम 12 बजने वाले हैं, ये लोग अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। इन्होंने मुझे ना सुबह 10 बजे से तैयार करके बिठा रखा है, अभी तक ये लोग तैयार नहीं हुए हैं। पहले इन्होंने बोला कि 11 बजे जाना है और अब 12 बजा दिए हैं और दीदी अभी हो रही है तैयार। और बाकी उधर से आ रही है तन्नू की मम्मी, पर ये दीदी सुबह से बोल रही थी आऊंगी और अब ये दीदी भी नहीं आ रही है, इनका कैंसिल हो गया। और इतनी धूप में तो मेरा भी मन नहीं कर रहा है पर जाऊंगी मैं। और बाकी ना नीचे चलती हूँ मैं और दीदी को उठाती हूँ, दीदी सो रखी है अभी, थके हुए हैं बेचारे सफर से। चलिए जी मेरा कुछ तो दोस्तों अभी दीदी भी तैयार होके आ गई है, मिलिए दीदी से। हेलो, कैसे हो? बढ़िया। कहाँ जा रहे हो आज? घूमने। तैयार हो? कहाँ जा रहे हैं मुझे पता ही नहीं। आज हम जा रहे हैं सरोजनी नगर मार्केट और दीदी भी आ गई है तैयार। ये दीदी अनुमा पर्स देखा तूने? तो चलिए जी दोस्तों अभी दीदी भी तैयार हो गई है तो मिलवाती हूँ मैं आपको दीदी से। हेलो दीदी। हेलो, कैसे हो? ठीक है, आप लोग कैसे हो? मैं आई हूँ अपनी मम्मी जी को छोड़ने। मम्मी जी को छोड़ने आ रखी हूँ ऋषिकेश से, पहली बार आई है दीदी सासू जी को लेके। और बाकी अभी हम चलेंगे सबके साथ सरोजनी नगर मार्केट और दीदी को करनी है शॉपिंग। तो ऋषिकेश में कपड़े मिलते हैं तो यहाँ। तो दोस्तों दीदी को थोड़ा शर्म से आ रही है कैमरे में बोलने में, तो इसीलिए मैं ज्यादा नहीं बोलवा पाई उनसे, मतलब जो मैंने बोला वही रिपीट किया उन्होंने। और बाकी अभी चलेंगे थोड़ा ऊपर वाले, सासू जी से भी मिलवाते हैं आपको। हेलो। हेलो जी, कैसे हो? हेलो फरीदा। हेलो, कैसे हो? ठीक हो? ठीक हो? तुम सब ठीक हो? तुम सब ठीक ठाक? आगे कहाँ बड़े? हाँ, ये कहाँ बड़ी? कुत्ता नहीं लड़ी तुम बताओ? तो आज कुत्ता का नहीं लड़ी है। चलो अब तुम सी जाए आराम से, हम जाना तो आराम से ढंग से भाई खाना तो दिन मान चल दो ना दीदी। तो चलिए जी दोस्तों अब हम निकल रहे हैं सारी की सारी हीरोइने। अभी मैं थोड़ा डुगू की मम्मी का वेट कर रही हूँ, बाकी ये तीनों निकल गए हैं और धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ लगी हुई है। अब वो दीदी पहले ना ना कर रही थी और अब जाके तैयार होने लगी तो देर भी हो ही गई है। दोस्तों बड़ी मुश्किल से निकले हैं बाहर, बहुत देर से तैयार हो रहे थे, इनका मेकअप ही नहीं हुआ और मेकअप देखिए कितना कर रखा है उन्होंने कि कोई लिमिट नहीं है। तो अभी हम घर से तो निकल गए हैं और अब सीधे जाएंगे हम सागरपुर स्टेशन में क्योंकि काली माता मंदिर से भी हमें बस नहीं मिलती। और अभी हमारी बस भी आ गई है तो देखते हैं रुकेगी तो, भीड़ बहुत ज़्यादा है इसमें। चलो चलो चलो, क्या हो गया? चलिए जी दोस्तों अभी हम सरोजनी नगर में भी उतर गए हैं और अब चलते हैं, अब चलते हैं अंदर मार्केट की तरफ। चलो दोस्तों अब हम नहीं मिली हमें, खड़े खड़े आए सागर, हमें तो मिल गई थी मुझे और तनु की मम्मी को, पर इनको बाद में मिली जब
स्टैंड आने वाला था हमारा, एक स्टैंड में बैठे, और बाकी बहुत तेज धूप लगी हुई है, पता नहीं क्या ही होगा आज हमारा। तो आज हमारी दीदी पहली बार आ रही है सरोजनी नगर में, तो इनको पूछते हैं कैसा लग रहा है आपको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अभी बोली पूछ ही नहीं करूं, मैं पहुंच ही नहीं चल रहा, पैदल लग चला नहीं चल रहा, अभी पैदल लग रही हूं, आंखों का थक गई। और दीदी बहुत एक्साइटेड है कि आज मैं पहली बार सरोजनी नगर आई हूँ, मैं तो एक दो बार आई हूँ पहले भी, सब लोग आए हैं, रह गई थी, तो आज इनको अभी सरोजनी नगर की भीड़ भाड़ से मिलवा देते हैं, फिर दोबारा नहीं बोलेगी दीदी यहाँ निकले। तो चलिए जी दोस्तों, अब यहाँ से अंदर एंट्री करते हैं, और आप सभी को भी मैं सरोजनी नगर की सैर करवाती हूँ। तो चलिए जी दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं शॉपिंग, और यहाँ पर लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टी शर्ट टॉप वगैरह मिलते हैं, और बाकी सूट वगैरह भी अच्छे मिलते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर आए थे। जो सामान कहीं नहीं मिलता वो सरोजनी नगर में पहले पहले देखने को मिलेगा आपको। तो कल मस्त लगो ना दीदी, सेट 8 250 का, 250 रुपये का सेट है पूरा, ले लो दोनों हैं ऊपर नीचे, आप देख लो ना आपने ले। तो दोस्तों इतना सुंदर और इतना सस्ता सूट 250 रुपये में ये, और दीदी लोगों को पसंद आ गए हैं यहाँ पे, तो ये दोनों ही ले लेंगे, है ना, लगना तो सही ना। वाह, यहाँ पे कॉर्ड सेट देख रहे दीदी लोग, आजकल चले हुए हैं ये, तो थोड़ा हम लोग भी देख ही लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दीदी ने ले लिया एक प्लाजो सेट 300 में, तो वही दीदी उन लोगों ने उधर 250 में लिया। दोस्तों अभी दीदी लोग जा रखे हैं दुकान में, और हम इधर बैठ गए हैं। दीदी थक गए तुम? एक दीदी उधर बैठी हुई है, कर लगना तुम तो सरोजनी नगर मार्केट है। तो दीदी ने उद्घाटन कर दिया है सरोजनी नगर मार्केट का, एक कुर्ती प्लाजो का सेट ले लिया है ना, और अब क्या लेना है इन्हें देख बोलो पसंद है। थोड़ी देर बाजार घूमने के बाद अब टाइम भी 2:30 बज गए हैं, तो अब भूख लग गई है, तो हम यहाँ पे छोले कुलचे खाने आ गए हैं। तो अभी फिर थोड़ी देर में दोबारा से जाएंगे बाजार के अंदर। आज और दीदी ने तो कर लिया शॉपिंग थोड़ी बहुत। भूख लगी है, बोलो फाड़ दो क्या स्पीड से। पेट पूजा हमारी हो गई है, और अब हम फिर से अंदर मार्केट की तरफ फिर से शॉपिंग करने लिया तो कुछ भी नहीं। चलिए जी दोस्तों, बहुत थक गए हम यहाँ पे, और अब चलते हैं घर। चलो तो दोस्तों, अभी टाइम 4 बजने वाले हैं, और हमारी शॉपिंग हो गई है। शॉपिंग भी क्या की है, बस इस थैले में, वो भी मैंने और इन दीदी ने कुछ नहीं लिया है, और बाकी इन सब ने की है थोड़ी बहुत शॉपिंग। और बैग जैसे हम लाए थे वैसे ही ले जा रहे हैं, मतलब 3 लोग थे शॉपिंग करने वाले, बाकी हम 2 तो वैसे ही आ रखे थे देखने के लिए, और बाकी अब चलते हैं घर पे। अभी हम मेन रोड में भी आ गए हैं, और यहाँ से करनी हमने रोड क्रॉस, तो यहाँ से लेंगे हम भूमिगत रास्ता, मतलब कि यहाँ से जाएंगे सबवे के रास्ते सीधे पल्ली तरफ। तो चलिए जी, अब चलते हैं सीधे, अब सीधे मिलेंगे आपको पल्ली तरफ। धरती के नीचे जा रहे हैं, हम स्टैंड में भी पहुँच गए हैं, और यहीं से मिलेगी हमें। कौन सी बस मिलेगी दीदी यहाँ से हमें? बैठ जाते हैं। कौन सी बस मिलेगी? वही 711। नरोज नगर यहाँ का स्टैंड है। चलिए जी दोस्तों, अभी हम अपने स्टैंड में भी उतर गए हैं, और आज आते टाइम बिल्कुल भी सीट नहीं मिली, और ऐसे धक्के मुक्की हो रही थी कि क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा थक गए अब हम। तो अभी हम
यहाँ पे पी रहे गन्ने का जूस। हेलो को पिलाड़ तुम। हाँ चलो ये सब के सब मुझे एक एक गिलास पिलाएंगे और मैं पीऊंगी। और गाइस हम दोनों ने आज कुछ शॉपिंग नहीं करी है ना दीदी। हाँ 10 रुपए जूस तो पिलाए जाओ, पैसे तो मुझे खर्च का नहीं वो दीदी। तो दोस्तों इन्होंने गन्ने का जूस पिया और ये सारे के सारे मुझे छोड़ के आ गए वहाँ पे। और मैं डर गई कि कहीं पैसे मुझे मार ना खानी पड़े, ये बिना पैसे दिए भागे और इन्होंने पैसे दे दिए। और तब मैं फटाफट से भाग के आ गई, नहीं तो आने वाली। चलिए जी अभी हम घर पे भी पहुंच गए हैं और अब चलते हैं अंदर, बहुत ज़्यादा थक गए हम। वहाँ पाए फ्रिज में से पा आज रख जा गया हूँ। तो अभी आपको दिखाते हैं क्या क्या सामान लेके आए हम वहाँ से। तो एक तो ये कपड़े हैं, ये डब्बे में पैक हैं। और बाकी सूट लाए हैं दीदी भी, एक सूट लाई है अपने लिए और ये दीदी भी अपने लिए सूट लाई है। तो अभी दिखाते हैं आपको। बाकी ये तनु की मम्मी ये वाला लाई है, ये देखिए। और इसका है प्लाजो, ये है कसु के लिए। तुम्हारी मम्मी ने पहन रखा और मैंने पहन लिया। तो चलिए जी दोस्तों अभी हमने कपड़े वगैरह भी सारे देख लिए हैं और अब मैं बनाने जा रही हूँ चाय। और बस आज के ब्लॉग को भी मैं इतना ही रखती हूँ। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलती हूँ आपको कल एक नए ब्लॉग के साथ, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।